मैं नेक्स्ट फायर ब्रांड संतोष देवकर सर को बुलाना चाहूँगा, जो कि जोरदार ताली होनी चाहिए, साथ में मैम को भी, स्वाति मैम, जो कि पता है कि स्वाति नक्षत्र होती है जिसमें मोतियां सीप में जाती हैं तो मोती बनती है, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। द सेकेंड क्राउन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर संतोष देवकर जी एंड मिसेस स्वाति देवकर मैम, तालियां जोरदार होनी चाहिए। महाराष्ट्र मध्ये कार्यक्रम चालू आहे, मुंबई मध्ये चालू आहे, तालियां, मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि देखा मैंने कि बहुत इतना मेगा ब्लॉक था, इसको तोड़ के भी आप लोग यहाँ पे आए, तो ये तो मर्जी थी भगवान की कि आप यहाँ पे आए हैं। और अगर आपकी मर्जी रहेगी, आपने डिसीजन लिया, तो आपका भी जीवन बदल सकता है कि जैसे आज हमारा जीवन बदला है। आज जो भी हमने देखा है कि हमारा 360 डिग्री पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गया, तो ये आपके साथ हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ पे आज आए हैं। और जैसे कि हमने बहुत सारी खुशियाँ तो पाई है, लेकिन उसके लिए हमने दो ही हमने ये खुशियाँ कैसे पाई, उसके लिए मैं दो ही बातें बताना चाहूँगी कि जैसे रफीक सर ने भी बताया कि लव द डीएक्सएन, बहुत दिल से प्यार करो, दिल से प्यार करो डीएक्सएन को, क्योंकि अगर हमको किसी से प्यार है, हमारे बच्चों से हमको प्यार है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको जो चाहिए वो चीज़ें देते हैं। वैसे ही हमको भी डीएक्सएन को वो सारी चीज़ें देनी है, मतलब अच्छे से कंज्यूम करना है और लोगों को बताना है, ठीक है। और इसके साथ में और एक चीज़ करना है, अगर मुझे कुछ महिलाओं से कहना है कि अगर आपके हस्बैंड के समझ में ये डीएक्सएन आया है तो उनको रोकिए मत, प्लीज़ उनको करने दीजिए। और दूसरी बात है कि जिस लेडीज़ को ये बिजनेस समझ में आए, वो करते रहिए, करते रहिए, चाहे कितना भी आपको अपोजिशन आए, कि कोई भी आपको बताए, घर से बताए, बाहर से बताए कि ये करना नहीं है, ऐसी बातें, क्योंकि होता है ये, तो आप रुकिए मत, टूटिए मत। और इसके लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहती हूँ, जो चोट खाकर टूट जाते हैं वो पत्थर बन जाते हैं, कंकर बन जाते हैं, और जो चोट खाकर सह जाते हैं वो शंकर बन जाते हैं, क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं। थैंक यू। Come on, action! आपण सगळे महाराष्ट्रात आहोत, आहोत का? छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, शाबाश। असं सळसळत की ना आतमध्ये? इथं आता मराठी बांधव किती बसलेत, जरा उभे राहा जागेवरती। वेडात विड दौडले मराठे एक साथ, आवाज कुठे गेलाय? आहे ना आवाज? आटके पर झंडा लावायचा आहे ना, तो फक्त लावू शकतो मराठीच माणूस। रन बसा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पता नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। हम गए थे अभी मलेशिया में, वहां पे चल रही 30th एनिवर्सरी, और मैंने खुद 5th एनिवर्सरी, 10th एनिवर्सरी, 15th एनिवर्सरी, 20th एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी और 30th एनिवर्सरी सभी अटेंड किया हूँ, बिकॉज ऑफ डीएक्सएन। ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पाया है डॉक्टर लिम के लिए, डीएक्सएन मैनेजमेंट के लिए, और आप सभी के लिए जोरदार तालियां। हमें बनाया है डीएक्सएन ने, अगर डीएक्सएन हमारी लाइफ में नहीं होता तो हम जीरो बन जाते, कौन बन जाते, लेकिन डीएक्सएन ने हमें बनाया है सुपरस्टार। क्या बनाया सर? यहाँ यही आ जाइए, यही आइए, डरते हैं। डीएक्सएन ने हमें बनाया है सुपरस्टार। तो किन किन लोगों को सुपरस्टार बनना है,
आपके अंदर की आपको नारा शक्ति को जगाना होगा। आपको आपके अंदर की पावर जगाना होगा। दूसरी बात बोली थी अभी रूपल मैम ने कि नारी को एम्पावर नहीं किया जा सकता है, वो खुद शक्ति है। क्या है, है कि नहीं है? और दुनिया में जितने भी ज़्यादा एमएलएम लीडर्स है या जितने ज़्यादा बोनस चेक उठाते हैं वो है महिला लीडर्स। महिला लीडर ये फैक्ट है, लेकिन महिला ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है। और एक बात बोली थी रफीक सर ने कि डीएक्शन हमें सब कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन आर वी कंपेटेबल विथ डीएक्शन? आप डीएक्शन को देने जा रहे हो क्या बदले में? एक तारीख में उतना पीवी कर रहा हूं क्या, 1000 पीवी, 3000 पीवी, 5000 पीवी? पहले डीएक्शन के पास कुछ नहीं था, आज 80 के ऊपर प्रोडक्ट्स आ गए, इसके बाद में और भी प्रोडक्ट बढ़ने वाले हैं, नई नई खबरें आएंगी। एक बात मैंने जो कमी पाई है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में, एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको। मैं गया था 30th anniversary, वहां पे 180 देशों से 7000 लोग इंटरनेशनल फ्लाई करके आए थे मलेशिया में। कितने लोग? 7000 लोग। 7000 लोग हॉल में बैठ, एक हॉल में सभी लोग बैठ नहीं पा रहे थे, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, खचाखच हॉल। लेकिन एक कंट्री आता है, वो कंट्री के लोग थे 150 लोग, हिंदुस्तान से लोग आए थे 750। कितने आए थे? 7000 में 750 हिंदुस्तान के थे, ठोको तालियां। 10 में से 1 आदमी इंडियन था, मलेशिया वाला, 10 में से 1। बात क्या हो गई, जब चिल्लाना शुरू हो गया पेरू 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 पेरू, कितना रहते थे साइज में? ऐसा खा सकते, अंदर भी डाल सकते, लेकिन हमारे इंडिया का आवाज नहीं आ रहा था, क्योंकि इंडिया का कोई बात करते है ना, वो महाराष्ट्र का बात कर रहा है, ये कर्नाटक वाला है, ये चेन्नई वाला है, ये यूपी वाला है, ये बिहार, ये बात बंद कर दो। आज से कोई महाराष्ट्र, यूपी, बिहार कोई नहीं है, एक ही बात है, कम ऑन रिएक्शन इंडिया, रिएक्शन इंडिया, एक ही बात होगी। मैं बोलूंगा डीएक्शन इंडिया, आप बोलोगे नंबर वन, कर सकते हो? डीएक्शन इंडिया, डीएक्शन इंडिया, डीएक्शन इंडिया, यस, ये बात हो सकती है, बिल्कुल सही है कि नहीं मिश्रा जी? क्या बोला आपको, यही बोलने को बोला है ना, शाबाश, ठोको ताली। दूसरी बात, हम सब एक साथ होके काम करना चाहिए। 1 तारीख को हमको पीवी बनाना है तो बनाना है, इसके बाद में 6 लाइन का स्ट्रक्चर पे फोकस करो, जो बिहार ने किया है, 7वीं 8वीं लाइन नहीं डालते हैं। बड़े बड़े ऑफर्स आने वाले हैं, कंपनी हमको थाईलैंड, पटाया, फुकेट फुकेट लेके जा रही है, लेकिन पीवी करना होगा, काम करना होगा। आप सबका करियर बदली हो सकता है, केले ने होता है रे आधी केले ची पाहिजे, स्वतः का गावाने कुनी केले पाहिजे, स्वतः केले पाहिजे। तो 1 तारखेला स्वतःचे पीवी करा, और पर्सनल कंजम्पशन करते करते आपको माल डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। हमारे पुणे में एक डॉक्टर सवेरा सर, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने एक बड़े एग्जाम्पल बोला था, क्या होता है कि समझो आपको 1000 पीवी का शेंगदाना दिया, क्या दिया? शेंगदाना, उसको हिंदी में क्या बोलते? मूंगफली। वेद प्रकाश सर थैंक यू, उसको बोलते हैं मूंगफली। आपको 1000 पीवी का मूंगफली बेचने को दिया, ओके, आपने देखे दिन भर कोई आपको कस्टमर मिला ही नहीं, और खुद मूंगफली खा के घर आ गए। शेंगदाने तुला विकाय दिले का खायला दिले? वो गड़बड़ हो रही आपकी, जैसे ये बोले थे ना, ससुरी खा गई, ससुर खाएगा, बिरयानी खुद खा गए। तो आपको करना क्या है, आप खुद कंज्यूम भी करना है, करते करते डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ाना है। और आप एक बात ठान लो कि आपको बड़ा करती है आपकी डाउनलाइन, डाउनलाइन को अपने बच्चों जैसा प्यार दो। एक बच्चा उभर के आया ना अभी, योगी और रूपल मैडम, इनके लिए जोरदार तालियां। इससे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है क्या? क्योंकि जो प्रोफेसर ने और रत्ना मैडम ने इतने सालों साल इतनी हम सब की सेवा की, हम सबको अच्छा सर्विस दिया, तो वहाँ पे एक, मतलब एक बिगड़ा हुआ करियर भी संभल पाया बिकॉज ऑफ डीएक्सएन।
मैंने तो आज ये देखा, मैंने एक हिंदी मूवी देखी थी संजू बाबा की, संजू, एक नरगिस और इसका बच्चा था, क्या नाम है पिताजी का, ओके जो है ओके उनका लड़का था, संजय दत्त आ गया उनके घर में, AK-47 रखा गया, वो जेल गया, उसका सब करियर बर्बाद हो गया, लेकिन वो कहानी सुन के हमको कुछ मिलने वाला है, ये कहानी सुन के कुछ मिलेगा, कम ऑन रिएक्शन होता है रिएक्शन में, आप करते रहो, मजबूत भी बनाते रहो, लोगों से बातें करते रहो, कभी मत थको, लेकिन डाउनलाइन के साथ अच्छे रिश्ते बनाओ, मेरा बच्चा बिगड़ता है, सही करता है, कुछ भी करता है, उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाओ, लोगों के घर चले जाओ, ओनली सोशल मीडिया से बिजनेस चलने वाला नहीं है, ये है लोगों से जाके बात करने का, रिलेशन बिल्ड करने का एक दूसरे के साथ में, और घर में बैठोगे पीवी नहीं आएगा, घर से बाहर निकल जाओ, रोज 3 घंटा 4 घंटा डेली 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 एवरी डे यू शुड बी इन द मार्केट, आपको जाना है, और क्या करना है, रोज मार्केट में जाना है, डेली जाना है, वीकली एक रिक्रूट करना है, वीकली रिक्रूटमेंट की बात नहीं हो रही है, महाराष्ट्र पिछवाड़ा क्यों आ रहा है, रिक्रूटमेंट नजर नहीं आ रहा है, हम सिर्फ कंजम्पशन और प्रोडक्ट रिटेलिंग पे लगे हुए हैं, ये हम कभी बढ़ने वाले भी यही नहीं है, तो हमको वीकली एक रिक्रूटमेंट हमारे लाइन में आना चाहिए, और 1636 का स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान, आपके टीम में कोई प्लान शो नहीं कर रहा है, ऐसे भुक्कड़ कंपनी आके प्लान शो कर रही, पैसा दिखा रही है, हमारा इतना प्रोडक्ट मजबूत है, प्लान मजबूत है, लेकिन हम दिखाते नहीं है, तो आज से दिखाना शुरू कर दो, और हम सब साथ में आएंगे, तो ये तो सर बोल रहे हैं ना, ये तो फ्लैट कुछ लोग 70 लाख आपके आएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ डीएक्शन में आप गाड़ी या फ्लैट कैश परचेस कर सकते हैं, कैश इतना पैसा आपके पास आएगा, ओके आज मुझे मुंबई वालों ने टाइम दिया, सभी मुंबई टीम के लिए जोरदार तालियां, हम सब लोगों को एक होकर काम करना है, काम करते रहेंगे, और जो हम मुकाम पे थे महाराष्ट्र नंबर 1, अभी हमको इंडिया नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में जाके करना है, कम ऑन डायरेक्शन, थैंक यू थैंक यू सर।